वैल कुछ शख्स अजे होंगे ने स्पैशली डॉक्टर्स अजे होंगे ने कि वो अपने काम को इन्ना प्यार करते हैं ना कि लोगों की सेवा ही करना उन्होंने अपनी जिंदगी लगता। तो उन्होंने एक ने डॉक्टर नवदीप शर्मा जी, बिल्कुल वो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं तो अपनी सर्विसिज इन अच्छे तरीके प्रोवाइड कर रहे हैं जिस करके उन्होंने ग्लोबली इंटरनेशनली अवार्ड मिले अपनी सर्विसिज बहुत प्यारे तरीके दे नाल है ना करन दे ले। आओ जी फिर मिलकर उन्होंने स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी डेली डोज़ दे विच। जस पंजाबी दे सारे व्यूअर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पहला तो तुहानूं बहुत बहुत मुबारक जी, ब्रिटिश संसद दे विच तुहानूं ते डॉक्टर मोनिका नूं सन्मानित किया गया, बड़ी माण वाली गल है जी तुहाडे लई। धन्यवाद जी। वाकई ही अपने आप च जी देखो अवार्ड्स ते मालक दी दया दे नाल कई मिले ने, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट देखो एक ड्रीम रहिंदा वा हर किसी दा। टॉक मैं अगे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट च दे चुका सी जी, बट ऐतकी जिहड़ा वा आयुर्वेद च इंटरनेशनली बेस्ट सर्विसेज वास्ते मनो डॉक्टर मोनिका ने जो उत्थे अवार्ड मिलिया ते अपने आप च इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक किवें है ना, लाइक एकदम बंदा नहीं होंदा कि हां अवार्ड तुहानू बहुत मिल चुके ने यू नो इंटरनेशनली सर्विस प्रोवाइड करन दे ए मिलिया, सो किवें दा फील हो रहा, अपने आप च एक बहुत एक्सपेक्टेशंस होर ज्यादा वध गईयां ने। बिल्कुल वधिया जी, उहदा कारण देखो हर मिलन वाला प्रोत्साहन, हर मिलन वाला अवार्ड, हां दोबारा तुहाडे कोलों उम्मीदां पेशेंट्स दीआं वी अराउंड द ग्लोब वधा दिंदा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई भी चीज अचीव करना, इस तरह आपां अगर क्रिकेट देखिए कोई बैट्समैन अगर सेंचुरी मार के आंदा ना ते अगली बार लोकी वेट करदे ने, ओदे मन ते होर प्रेशर हुंदा वा कि मैं वधिया स्कोर ही बनानी, इस तों घट नहीं बनानी है। सो इन द सेम वे जिस तरह अवार्ड मिलिया, उस अवार्ड च इंटरनेशनल रेकोगनीशन जदों मिली और ओदे नाल उम्मीदां पेशेंट्स दीआं, देखो सारियां बेस्ट विशेस ते साडे पेशेंट्स दीआं ही सी। अज मालिक दी दया दे नाल अगर पूरी दुनिया च आपां आयुर्वेद च काम कर रहे हैं, चंगा काम कर रहे हैं, उस काम नूं वैल्यू दित्ती जा रही है, वैल्यू कीती जा रही है, किते ना किते सारा योगदान सारियां ब्लैसिंग्स दुआवां ओह साडे पेशेंट्स दीआं ही ने जिहड़ा विश्वास करदे ने, चंगा सोचदे ने, ते साडा होर जिहड़ा वा उस तो बाद जिम्मेदारी वध जांदी कि आपां उहनां दी उम्मीदां ते खरे जरूर उतरीए जी। मैं कहणी लगी सी कि रियली इदां फील हुंदा ना कि हुण जिम्मेवारियां बहुत वध गईयां ने, हुण मतलब कि इहनां चीज़ां ते होर ज़्यादा वर्क करन दी लोड़ आ, सो इदां लग रिहा तुहानूं? बिल्कुल जी बिल्कुल, जिम्मेदारी देखो एवरी ऑनर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल जी, से वाकई जिम्मेदारी होर है जी, होर जिम्मेदारी वधी है ताकि आपां इस तों अग्गे ही वधीए, पिछे नहीं मुड़ के देखना पे जी। बिल्कुल जी। अच्छा तुसी ओथे गए है ना, ओथे भी तुसी बहुत सारे पेशेंट्स नु डील कीता होना है ना नवदीप, ते मतलब की किद्दां दे पेशेंट्स तुहानू मिले ओथे, आई मीन की प्रॉब्लम्स उन्होंने तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां स्पेशली? देखो बेसिकली यूके दे अंदर ज्यादा जिहड़े मेरे पेशेंट्स ने ओह ऑटिज़म दे ने, ऑटिज़म ADHD ऐसे बच्चे जिहड़े बच्चे की जमांदरू तौर ते बोलना लेट शुरू करदे ने, या जिहड़े आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, जिन्हां दे सोशल स्किल्स घट हुंदे ने, इन्हां सारिआं नूं ऑटिज़म कह दिता जांदा वा। और ऑटिज़म एक ऐसा डिजीज़ है जिहदी आई दी रेट च वी एलोपैथी दे अंदर कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है जी। बिहेवियर थैरेपी, स्पीच थैरेपी, ऐसियां थैरेपीज़ ने साइकोलॉजिकल जिहड़ियां फायदा करदियां ने लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं कर पांदियां बच्चिआं नूं। तो मेरा यूके च वी इही प्रयास सी, उत्थे मेरे फ्रेंड भी ने, बड़े वड्डे साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल ने, उन्हां नाल आपां हुण प्लान कर रहे हैं कि आपां एक ऑटिज़म दे बच्चिआं वास्ते खास तौर ते एक सेंटर यूके दे अंदर जिहड़ा वा ओह जल्दी ही स्टार्ट करिए। इट इज़ इन द प्रोसैस, साडी कोशिश चल रही है, जल्दी मालक ने चाहिया ते ऑटिस्टिक बच्चिआं वास्ते, ADHD दे बच्चिआं वास्ते एक स्पैशल सेंटर आपां ओपन करांगे जी उत्थे जी। अवार्ड्स काफ़ी मिले ने, आ एक अवार्ड मैनूं बहुत चंगा लगा, ग्लोबली मिलिया है ना, उस तो बाद रिसपोंसिबिलिटी तुसीं देख ही सकदे हो किन्नियां वध गईयां ने कि कम होर ज़्यादा वध गया है ना। प्रैशर भी हुंदा बहुत ज़्यादा दिमाग ते? देखो रियलिटी इह वा कि मैं अगर अपनी पर्सनली गल करां ते आई इंजॉय प्रेशर, प्रेशर चंगा लगता जी। अच्छा। वर्क मेरे वास्ते आयुर्वेद मेरे वास्ते मेरे श्वास ने और आयुर्वेद ही मैं इंजॉय करता वा, जदों तो होश संभालिया वै आयुर्वेद पढ़ भी रहा वा, आयुर्वेद नूं इंजॉय कर रहा। सो अगर अपना वर्क ही तुसी इंजॉय कर रहे हो तो प्रेशर भी अपने आप इंजॉय हो जाता है। सो जिन्नियां डिमांड्स वधिया ने पेशेंट्स दियां, जिन्नी एक्सपेक्टेशंस वधिया ने, अज भी अगर मैं गल करां साढ़े चंडीगढ़ सेंटर के अंदर भी, जिहड़ा मोहाली सेंटर है साडा प्रॉपर, इस वेले इंटरनेशनल पेशेंट्स ने एडमिटेड ने, थैरेपीज करवा रहे ने, एक विश्वास नाल कोई इन्नी दूरों तुहाडे करके चल के आंदा है। तो फर्ज बन जांदा उस वेले कि उन्हां दी उम्मीदां ते आपां जरूर पूरा उतरीए। मैं हमेशा पेशेंट्स नूं इक्को ही गल कहना जी कि देखो अगर तुसी विश्वास करके अपना समा सानू दे रहे हो, साड़ी पूरी कोशिश रहेगी कि तुसी कल नू यही कहो कि हाँ आपां गलत डिसीजन नहीं लेता, ऐ ना होए कि तुहानू लगे जी मैं आके अपना समा जाया करके चलना, वो पूरी कोशिश जिहड़ी है मेरी हमेशा रहिंदी। मैनू नहीं लगता कि पेशेंट नू किसी भी दर्शक नू एवें दी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मैं तुहाडी गल कट रही हां, कॉल्स लैने आ जी,
ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਜੀਤ ਧਾਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੀ 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 ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਲੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਖਾਸੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਹੀ ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਫਟਕਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਟਕਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਫਟਕਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾਰਗਲਸ ਕਰੋ, ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਫ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਣਾ ਵੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੀਓਗੇ ਗਰਮ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ 20 ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ 24/7 ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਂ, ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੈਂ, ਨਾਈਟ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ ਵਾਸ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਔਰ 24/7 ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ 24/7 ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਕਾਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 80-90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 20% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਵੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਹਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਈਟਿਸ ਆਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਇੰਗੁਆਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹਰਨੀਆ ਵੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। 4 ਬੀਜ, ਜਵਾਨੀ, ਚੰਦਰਸ਼ੂਰ, ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਮੰਗਰੈਲ, ਇਹਨਾਂ 4 ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਦੇ ਗੁੱਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਮਚ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ, 1/4 ਦੁਪਹਿਰੇ, 1/4 ਸ਼ਾਮੀ ਲਵੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾਸਨਸ ਨੇ
जेडे कि इस कंडीशन बहुत फायदा करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल ने, तुसी चाहो कॉल कर सकते हो नंबरस से, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डॉक्टर्स तुम दस देंगे कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज ने जिन्हां नालों मसल्स स्ट्रोंग हो सकते हैं। जरूरी है एबडोमिनल मसल्स नू स्ट्रोंग करना ताकि सानू सर्जरी वाल ना प्रोसीड करना पवे। यह तुसी ट्राई करके देखो जी, जरूर तुहानू लाभ मिलेगा जी। गुरनाम सर, उम्मीद करदी हां कि जवाब तुहानू मिल गया होना है ना। फिर भी तुहानू लगता कोई प्रॉब्लम है तुसी कॉल कर सकते हो, ते गल्लबात डॉक्टर साहब आपां होर भी करनियां, बट एक निक्का जिहा ब्रेक लैने, उस तों बाद तुसी अपने क्वेश्चन लाइक कोई भी जवाब आ उह डॉक्टर साहब तुहानू देणगे, तुसी पुछ सकते हो। ब्रेक तो बस स्वागत है जी एक बार फिर साढ़े प्यारे दर्शकों का प्रोग्राम डेली डोज में। उम्मीद कर दी जी तुम ठीक ठाक हो तो गलों का आनंद भी माणो। डॉक्टर शर्मा साढ़े नाल ने, उन्होंने गल्ला बातें करते नहीं नहीं गल्ला बातें बाद चो करनी, पहले आप कॉल्स लेने ठीक है जी। हैलो हैलो, हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल मैम। हाँ जी सत श्रीकाल डॉक्टर नवदीप जी। सत श्रीकाल जी। जी 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 हाँ जी, ते तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी, अज तुसी टीवी ते लाइव आए हैगे हो ते तुहानू बहुत बहुत मुबारक अवार्ड वास्ते। ते एक गल पुछनी सी तुहानू कि कोई ऐसी मतलब कि गुड़ती दो जिहदे नाल कि वेट लॉस हो जावे। वेट लॉस वेट की बड़ी प्रॉब्लम हैगी है ना, ते डाइटिंग करनी बहुत औखी लगती हैगी, बिजी स्केजुअल दे विच कुछ भी चुके खा लीदा हैगा आ, ते उहदा सेहत ते बहुत माड़ा असर पैंदा हैगा। अच्छा मैम, प्लीज तुसी कित्थों गल कर रहे हो दस दो, ते नाम प्लीज दस दो। शुभ दुआवां बहुत मायने रखदियां ने जी। जो वेट लॉस की आप गल कर रहे हैं, एक गर्म पानी तुहानूं जिन्नी वारी याद आ जाए, तुहानूं जदों लगे मैं कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया वै वेट वधा सकदा वै, उस वेले चाह वर्गा गर्म करना पानी ते गर्म पानी पी लेना। एंड सैकेंड, मैं हमेशा एग्जाम्पल दिना हुन्ना अपने पेशेंट्स नूं जिहड़े खास तौर पर वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, कि तुहाडे पेट नूं नहीं पता चलना चाहिए कि तुहाडा मूँह की खा रहा है। चीज़ नूं इन्नी चंगी तरह च्यू करो कि उहदा टेस्ट तुहाडे मूँह नूं ते आ गया, लेकिन पेट नूं पता ही ना चले कि खाधा वै। इन्ना ज़्यादा प्रॉपरली च्यू करके तुसीं खाना, फिर वह वेट पुट ऑन नहीं करवाएगा। तुसीं पिज़्ज़ा भी खा लोगे ना चंगी तरह चबा के, तो वह चपाती वर्गा गुण देवेगा अंदर जाके, और चपाती भी बिना चबाए खाओगे तो पिज्जे वगैरह नुकसान करेगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है गर्म पानी, एंड दूसरा चंगी तरह च्यू करना। अगर तुसी कोई हर्ब खाना चाहो, मेथरे घर च मेथरे है ने, सवेरे खाली पेट खाओ, दालचीनी दालचीनी एंड मेथरे, यह दोनों चीज़ा जड़िया ने वेट नू कंट्रोल करवादिया ने। जदों चेता आ जाए तुसी कपाल भाती कर लिया करो, बैठे बैठे ही घर च ऑफिस च, यह छोटिया छोटिया चीज़ा करो। सैकेंड मंथ तो पहले महीने थोड़ा कोई भार नहीं घटेगा इन्हें, सैकेंड मंथ तो तुसी देखोगे जो तुसी ये चीज़ां लगातार करते रहे, बॉडी दे माइक्रो चैनल्स प्योर हो जाते हैं, फिर वेट कंसिस्टेंटली घटना शुरू हो जाता। लेकिन आप कई बार 15-20 दिन ना तंग आके छड़ दें चीज़ा, वो नहीं छड़नियाँ, लगातार करनियाँ ने जी। जी सो ये मैं उम्मीद है कि परम मैम तुहानू जवाब मिल गया होना है, तो नैक्सट कॉल लैने जी। हैलो 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 जी मैम। हां जी तुसी पूछ सकदे। हां जी सॉरी बोल रहे जी। ते मेनू पुत्र डॉक्टर बेटा, मेनू डायबिटीज है गी है जी, ते ओदे मेनू काफी तकलीफ कर रही है, ते ओदे नाल मेनू हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ते दोने मेनू काफी कर रहे ने। जे मैं दवाइयां लेनी आ जिहड़ियां एलोपैथिक मेडिकेशंस, ओ मेनू होर साइड इफेक्ट्स दिंदियां ने, ते जे मैनूं तुसीं एलोपैथिक मेडिकेशन दे दो तां दूसरी दवाइयां कर दिओ तां बहुत चंगा होगा जी। मैम तुसीं कित्थों गल कर रहे हो प्लीज दस दो मैनूं। मैं रंगी आंटी बोल रही हां। रंगी आंटी जी एलोपैथिक मेडिकेशन खाने जिहड़ियां कि ब्लड शुगर लैवल नूं जबरदस्ती कंट्रोल कर दियां ने, डायबिटिक न्यूरोपैथी नेफरोपैथी रेटिनोपैथी कॉज कर दियां ने। तुसीं बिल्कुल निश्चिंत रहो जी, मैं एक कॉल तुहानूं करवावांगा अपने किसी डॉक्टर दे कोलों,
सब तो पहले मैं थोड़ा एच बी ए वन सी कितना है जानना चाहवागा, मेरा डॉक्टर थोड़े को पूछेगा, कुछ होर डिटेल्स आप लेनिया चाहवागे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, डायस्टोलिक कितना रह रहा है, एलोपैथिक दवाइया कि चल रही ने, नमक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तुम जरूर घट कर देना जी, मिचकां तुम जरूर खानिया ने, यह दो नैचुरल चीज़ा तो करनिया ही करनिया ने, बाकी तो एक कॉल आएगा मेरी टीम के कोलो, मेरी कोशिश रहेगी कंप्लीट थोड़े को केस हिस्ट्री वो लैनगे, फिर मेरे नाल डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ और फिर मेरे बिहाफ से तुहानू पूरी जानकारी देंगे कि तुहानू की करना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि बिना एलोपैथिक दवाई खाते ही आप बीपी भी कंट्रोल च रखिए तो शुगर भी कंट्रोल करिए जी। दैट्स वेरी कूल। आई थिंक रंगी आंटी जी थानू जवाब मिल गया हुण आया जिस तरीके नाल दस्या, मैं बड़े ध्यान नाल सुनदी पई सी। अच्छा जी नैक्सट कॉल लैने। हैलो हाय मनीषा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब नु भी सत श्री अकाल जी। हां जी ते हेलो जी 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 की पूछना चाहंदे हो मैम, पूछ सकदे हो। मैं पूछना चाहनी हां कि भी मेरे हस्बैंड हर वाले गले च जदा उहनां दे बैक कुछ डिगदा करके थुकदे रहंदे ने ते ओहदे लई कुछ हैगा कोई देसी इलाज कि उहनां नु गले च कुछ बैक गिरदा हैगा वे? जी 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 देखो ओहदे वास्ते सब तो ईजी चीज़ जिहड़ी कि यूएसए च भी अवेलेबल है वह है जंग हरड़। जंग हरड़ छोटे साइज़ की हरड़ हुंदी है, यह मूँह च पान दे नाल ना घुलना शुरू हो जाती है मूँह के अंदर। तुसीं कोशिश करनी है दिन च चार या पांच जंग हरड़ उन्होंने मूँह च रख के ना हौली हौली करके घुलन देनिया ने, एक यह चीज़ करनी है जी। सैकेंड सुहागा जिन्हों आप टंकन कहने, सुहागा अवेलेबल है ईजीली, बोरैक्स भी जिन्हों आप कहने, इनू फुल कर लेना तवे के उपर पीस लेना वै, सुहागे नू पानी च पा के आपां सुहागे दे गरारे करवाने ने उन्हां नू। यह दो चीज़ां तुसी सब तो पहले कराओ, बड़ियां सिंपल ने मेरे हिसाब नाल, तो इहदे नाल ही फर्क पै जाएगा। अदरवाइज़ मैं तो एक अगस्त रसायन वगैरह जी कुछ कॉमनली अवेलेबल चीज़ां ने उत्थे जिहड़ियां गाइड कर देवांगा, तुसी फिर उह स्टार्ट कर सकते हो जी। बिल्कुल जी, मैम उम्मीद है कि तुहानू जवाब मिल गया होणा तुहाडे प्रश्न दा। नैक्सट कॉल लैने जी। हैलो हेलो हेलो सत श्री अकाल सर, की हाल ने? सत श्री अकाल जी, वधिया बहुत जी। की कहना चाहोगे सर, की पूछना चाहोगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह। जी 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 हेलो जी 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 तुसी पूछ सकते हो सर। हेलो जी, हां जी हां जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, मुबारक वाड थोनो अवार्ड मिलन दी पहला था। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट जी। हां जी, अच्छा दूजी गल है, मेरी उम्र है जी 71। जी जी जी, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਰਵਸ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਬੰਧ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੂਲ ਬੰਧ ਕਿ ਮੂਲ ਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 50% ਤੀਕਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਰਕ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਮੂਲ ਬੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਸ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾ ਵਟੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਨਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਬੰਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਨਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
मेरे जिहड़े यूट्यूब ते भी वीडियोज़ मैं दिंदा वां, मेरी कोशिश रहिंदी है कि एटलीस्ट 50% चीज़ां ते आपां किचन चों ठीक कर सकीए। बाकी दे पंजावां च जिथे बहुत ज़्यादा रोग वध गया वै, दवाई की बहुत लोड़ है, उत्थे ही आपां दवाई खाइए। वरना आयुर्वेद नूं आपां एक जीवन शैली विकन अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद विरासत है साडियां दादियां दी, साडियां नानियां दी। देखो बीमार नहीं सी पैण दिंदियां बच्चे नूं, पूरा ध्यान रखदियां सी, अद्धा वैद अद्धा डॉक्टर साडियां दादियां ते नानियां हुंदियां सी। कोशिश रहिंदी है कि उहनां दीआं जिहड़ियां जानकारियां ने, जिहड़ियां उहनां ने दसियां ने, साडे ग्रंथां च मैंशन ने, उह तुहाडे तक मेरे ज़रिए जरूर पहुँचाईआं जाण। बिल्कुल जी, ते इक कॉल लै लैणी आ जी, उहनां दा सवाल पुछदे आ। हैलो हेलो मनीषा जी, सत श्री अकाल मैम, उपल मैम पूछ सकते हो। हेलो डॉक्टर नवदीप, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बच्चे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट जी, थैंक यू जी। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वेट भी मैं लूज कर लिया, तो थोड़ी देर बीच मेरी ब्रेक पै गई बच्चे, हूँ फिर मैंने दोबारा आई एम स्ट्रगलिंग टू कीप इट देयर, यू नो। जी जी okay. तारीफ करना चाहवांगा। देखो कई बार किसी नाल जदों गल करो ना, तो बड़ा चंगा लगता है। यू आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी तुहाडे नाल गल करके फील हुई जी। थैंक्स अ लॉट तुहाडी बेस्ट विशेज वास्ते भी। और वेट लॉस तुहाडे वर्गा एनर्जेटिक बंदा बड़ी आराम नाल कर सकदा जी। तुसी बस गर्म पानी, मेरी रिक्वेस्ट है, ये 100 बीमारियां दा हल है गर्म पानी। गर्म पानी तो शुरुआत करो, खाली पेट मेथरे उहदे च ऐड करो, राती सौण लग्या त्रिफला या इसबगोल नाल शामिल कर लवो। मन नूं नहीं लगदा कि जे इन्नियां जिहियां चीज़ां भी तुहाडे वर्गा एनर्जेटिक बंदा कर लवे, नाल थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज़ करो, तुहानूं कुछ नहीं करना पैना, होर कोई दवाई नहीं खानी पैनी, अपने आप तुसी देखोगे दोबारा तुहाडा वेट ट्रैक ते आना शुरू हो जाएगा जी। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इदा हों जिम्मे हम वेट लूज ली तो काफ़ी जाने ने पूछा है ना, कोई इदा का भी आता पेशेंट कि असं भार वधा है? बिल्कुल आते हैं जी। Really? देखो आयुर्वेद जिन्हें घटाण आते हैं अजकल की, खास तौर पर जी हूँ यंग जनरेशन साड़ी आ रही है, खास तौर पर मेल पेशेंट्स, फीमेल्स थोड़ा जल्दी वेट पुट ऑन कर लेंदियां ने, ज्यादा करके साडे कोल मेल्स ते अजकल बड़े ही ऐसे आ रहे ने जिन्हां दा भार घटिया हुंदा वा। अच्छा। और आयुर्वेद, क्योंकि आपां सत धातुआं नूं मानने आ, रस रक्त मास मेद अस्थि मज्जा ते शुक्र, आयुर्वेद च कहा गया रसात रक्त तो मासम मासान मेद अस्थि च अस्थिरो मज्जा तो शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायते। सो बेसिकली सत धातुआं मिलकर शरीर बनांदियां ने, और आयुर्वेद ऐसे रसायन ने जिस तरह की अश्वगंधा, विदारी कंद, सफेद मुछली, अकर करा, अगर इन्हों का सेवन किया जाए जी, कोई भी थोड़े आस पास यदा भार नहीं वध रहा, वह यदा भार वधाएगा। और एक छोटी जी कॉमन टिप मैं वह देना हूं वा, एक गिलास दुध का लो, वो दो तीन बूंदा नींबू दियाँ पाओ, दुध फुट जाएगा, छान लो, जिहड़ा उस दुध का पानी है वो जीरा भुन के पाओ, और एक टाइम जरूर पिलाओ ऐसे बंदे नूं जिहदा भार नहीं वध रहा। तुसी देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली उहदी स्ट्रेंथ भी वधेगी, और वो अच्छा वेट गेन करेगा, उहदा पेट नहीं निकलेगा, वो वेट गेन करेगा, जनरल वेट गेन करेगा, मसकुलर मास वधेगा जी उहदा। आई थिंक ये तरीका बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत लोग पता की करते हैं, जित तक मैनू पता है ना साढ़े आंढ गुआंढ दे विच ने, वो कहने फास्ट फूड ज्यादा खा लो वेट जिहड़ा वध जाएगा है ना, पर उन्हें जिहड़ी बीमारियां लगदियां वो वखरियां है ना, वो एम्प्टी कैलोरीज जी। फास्ट फूड की करता है, एम्प्टी कैलोरीज साडी बॉडी च ऐड कर दिंदा है, और एम्प्टी कैलोरीज तुहाडा वेट वधाणगियां पेट तो, आपां पेट नहीं वधाना, जनरल जी 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 बैली फैट नहीं वधाना, सानूं चाहिदा जनरलाइज्ड इक चंगा वेट जिहदे नाल बंदा ठीक लगे, वो जिहड़ा वा वो फास्ट फूड नाल ही और नैचुरल तरीके दे नाल जिहड़ा वा वधेगा जी। जी अच्छा, मैनू ना डॉक्टर साहब तो एक ट्रिक मिल गई, पता तुहानूं दस दस दे, मैनू मेरा जिहड़ा सोल्यूशन मिल गया, हुण मैं क्वेश्चन पुछना ही नहीं हैगा। बैली फैट दे नाल ने दस्सिया कि थोड़ा जिहा फास्ट फूड मैं भी खा लैनी आ, बट अच्छी तरह चबा के हर एक चीज़ तुसीं क्या खानी चाहीदी है ना, उहदे वल ज़्यादा ध्यान डेफिनेटली देवांगी, फास्ट फूड घट कर देना। बैली फैट घट करने लई कोई परफेक्ट कोई योगा आसन उहदे लई प्लीज़ दस दो। कपालभाती, देखो अगर आप कपाल भाति कर रहे हैं, कपाल भाति बेस्ट एक्सरसाइज है, जो भी आप करांगे उहदे नाल साडी बैली का फैट घटेगा। इस तो इलावा है तो सारे प्राणायाम्स अच्छे, भस्त्रिका ते कपाल भाति च फर्क है जी। भस्त्रिका नाल लोकी बड़ी वारी कपाल भाति नूं कन्फ्यूज़ कर लैंदे ने, कपाल भाति च तुसीं फोर्सफुल एक्सपीरेशन करनी है, साह नूं स्पीड दे नाल छड़ना वा, लैना नॉर्मल स्पीड ते है। भस्त्रिका च तुसीं छड़ना भी स्पीड ते है, लैना भी स्पीड ते है। कपाल भाति पेट की बेस्ट एक्सरसाइज है, जिहड़ा कि तुहाडे एबडोमेन ते फैट कदी नहीं वधन देगी। सो नॉर्मल एक्सरसाइज जिन्नियां मर्जी करो जिम च, वो तुहाडा सारा भार घटाणगियां,
थोड़ा फेस पतला कर देंगे, जिम च जाओगे ना, एक्सरसाइज करोगे, मुंह कमजोर हो जाएगा, पेट तो सब तो लेट भार घटेगा, तो कपाल बाती ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਟਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਾਈਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ 24x7। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।